ये इसी के बाद कोरोना वायरस के लाहौर जनरल हॉस्पिटल पर भी ताबड़तोड़ हमले। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के मजीद 25 डॉक्टर्स और दीगर अमला वायरस का शिकार, तादाद 41 तक पहुंच गई। वायरस की मकामी मुंतकली की वजह से केसेस में इजाफा रहा है। तमाम डॉक्टर्स और दीगर अमले की हालत खतरे से बाहर है। MS जनरल हॉस्पिटल। ईद की खुशियों को कोरोना की नजर, लाहौर में मजीद 318 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में मूजी वायरस के 579 नए केस, तादाद 20,656 हो गई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के ऑफिस सेक्रेटरी बदर शहबाज भी कोरोना वायरस का शिकार। बदर शहबाज ने ईद की नमाज शहबाज शरीफ के घर में उनके साथ अदा की थी। शहबाज शरीफ ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। जराए 24 घंटों के दौरान मजीद 15 अफराद जान से गए। अमवात की कुल तादाद 352 हो गई। अब तक 2,60,401 टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब। कोरोना वायरस से बचाओ, पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में दोबारा सख्ती करने पर गौर। अशिया खुरनोश और दूध दही की दुकानों का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक करने का फैसला। छोटी और बड़ी मार्केट्स का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। शॉपिंग मॉल्स का वक्त भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक करने पर मशावरत। मार्केट्स हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुली रखने की तजावीज जेरे गौर। जराए महकमा दाखिला। एक तो कोरोना, ऊपर से सूरज का पारा हाई। ईद के रंगों में पड़ गई भंग। शहर की सड़कें सुनसान, हर तरफ हू का आलम। पार्क्स और तफरीही मकामात पहले ही बंद। मेल मुलाकातें, लाहौरियों की घरों पर ही गपशप की महाफिल। बिरयानी, पुलाव, मटन और चिकन कोरमा समेत मजे मजे की डिशेस की महक से मरु को भी घर महकते रहे। शहरियों ने जी भरकर खाबे उड़ाए। सूरज सवा नेजे पर झुलसा देने वाली गर्मी, लाहौरिये पसीने से शराबूर और गर्मी से निढाल नहर में डुबकियां। लाहौर न्यूज पर खबर नशर होते ही पुलिस की फुर्तियां। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई, पुलिस एहलकारों ने मनचलों को भगा दिया। कुछ नौजवान एहलकारों को देखते ही कपड़े छोड़कर भाग निकले। पुलिस एहलकारों के वापस जाते ही मनचले दोबारा उमड़ आए। कहते हैं तफरीगा और पार्क बंद है, गर्मी में जाए तो कहाँ जाए। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्तियां। पार्क और तफरीगा बंद होने पर गली मोहल्लों में ही पिकनिक पॉइंट बना लिए। कला गुर्जर सिंह में बच्चे झूले से खूब लुत्फ अंदोज हुए। किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने घुड़ सवारी को तरजीह दी। बच्चे कहते हैं कोरोना की वजह से सब बंद है, जहां मौका मिला इंजॉय कर लिया। ईद के तीसरे रोज भी पेट्रोल की टेंशन हुई ना खत्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। ईद तातीलात के बायस ऑयल डिपो से सप्लाई ना हो सकी। पेट्रोल का स्टॉक कम होने पर बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। ऑयल मार्केट कंपनीज के बेशतर पंप्स पर फरोख्त रोक दी। PSO के पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त जारी। मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें लग गई। रीजनल हेड PSO मियां शकील कहते हैं पेट्रोल पंप्स को सप्लाई हंगामी बुनियादों पर बढ़ा दी। इमरजेंसी ऑयल डिपो खुलवाकर 22 लाख लीटर पेट्रोल लाहौर में सप्लाई किया। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की खपत भी स्टेट ऑयल को पूरा करना पड़ रही है। हुकूमती दावों के बरक्स मुर्गी का गोश्त 260 रुपए किलो फरोख्त न हो सका। टोलेंटन मार्केट में अक्सर दुकानदारों ने निर्ख नामे ही आवेजाना किए। खरीदार कहते हैं आज भी 300 से 350 रुपए किलो तक गोश्त खरीदना पड़ रहा है। पोल्ट्री एसोसिएशन ने सरकारी निर्ख मुस्तरद कर दिए।
ब्रायलर गोश्त 260 रुपए किलो में फरोख्त करने से इनकार। सदर एसोसिएशन तारिक जावेद कहते हैं दुकानदार को मुर्गी के गोश्त की लागत 290 रुपए किलो पड़ रही है, हुकूमत किस तरह 260 रुपए किलो नर्ख मुकर्रर कर सकती है। हुकूमत दुकानदारों की गिरफ्तारियों की बजाय सस्ता ब्रायलर फराहम करे। तैयार हादसा मैयतों की शनाख्त करने कराची गई यूएचएस की टीम ने दांतों के रिकॉर्ड की मदद से पहली लाश की शनाख्त की। 62 साल मोहम्मद अताउल्ला के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फराहम किया था। टीम ने हादसे में जान बहक होने वाले मजीद 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ईद पर गमजदा खानदानों से इजहार हमदर्दी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही शहीद खालिद शेरदिल के घर पहुंचे, सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद के लिए फातिखानी और दुआ मगफिरत की। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की फिजाई मेजबान अनम खान के घर आमद, मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मुश्किल की घड़ी में अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं डॉक्टर यास्मिन राशिद। ईद की खुशियों में शोहदा को नहीं भूले, वजीर दाखिला एजाज शाह की तैयार हादसे में शहीद पायलट सज्जाद गुल के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताजियत और फातह खानी। आपकी तकलीफ का अंदाजा कोई नहीं कर सकता, हादसे में कीमती जानों की सूरत में कौमी असासे खो दिए। कैप्टन सज्जाद गुल ने आखिरी लम्हे तक अपनी भरपूर कोशिश की लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पर तैयारा हादसे के शोहदा को हर लम्हा याद किया गया। शहीद स्टीवर्ड फरीद अहमद चौधरी की रस्म पुर, बुलंदी दर्जात के लिए फातिखानी और दुआ। कुल मसालिक बोर्ड की जानिब से शोहदा के लिए दुआया तकरीर। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अलामा हाफिज काजिम रजा नकवी, कासिम अली कासमी, मुफ्ती आशिक हुसैन और दीगर की शिरकत। मुल्क में तैयारा हादसे के बायस ईद सादगी से मनाई गई। कौम को इस मुश्किल वक्त में यकजा होना होगा, मौलाना आसिम मखदूम का खिताब। किसानों पर क़यामत सुग़रा बरपा है, टिड्डी दल ने कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। आलमी इदारा ने पहले ही आगाह किया, हुकूमत ने बरवक्त कोई इकदाम नहीं किए। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन इंतजामी बहरान का शिकार हो चुका है। तैयार हादसे की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल आसन इकबाल और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कौमी इत्तफाक राय से शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम साबिक ऑफ स्पिनर और दूसरा गेंद मुतारफ करवाने वाले सकलैन मुश्ताक पीसीबी में इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के सरबरा मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने सकलैन मुश्ताक की तकरीर की मंजूरी दे दी। साबिक स्पिनर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के ओहदे पर फायज होंगे। मिलके मुश्किल के ये पल गुजारेंगे, पाकिस्तानी ना हारे ना हारेंगे। मिलके मुश्किल के ये पल गुजारेंगे, पाकिस्तानी ना हारे ना हारेंगे। आजमाइश में सारा जहां है, ये मुसीबत एक इम्तहान है। निकलो बाहर करो पहले वादा, एहतियात होगी पहले से ज्यादा। पाकिस्तानी पहले हारे हैं अब ना हारेंगे। फनकार ईद की खुशियों में कोरोना से निपटने के लिए पुरअज़्म।